हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे राजकुमार राव की मूवी शादी में जरूर आना को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शादी में जरूर आना ये मूवी 2017 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो कि उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक फेलियर साबित हुई थी। और अब आप इस मूवी को Z5 पे देख सकते हो और आए दिन ये मूवी टीवी पर भी आती रहती है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी ऑडियंस में ऐसा कोई होगा जिसने ये मूवी अभी तक नहीं देखी होगी। लेकिन हमारे एक बहुत लॉयल सब्सक्राइबर है HG कृष्णा, जिन्होंने मुझे कई बार बोला है कि मैं इस मूवी का रिव्यू करूं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है इस मूवी को रिव्यू करने का। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी आरती और सत्तू की, जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है। और शादी से पहले इन दोनों में काफी अच्छा प्यार भी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब शादी वाले दिन आरती शादी छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि उसका UPSC मेंस क्लियर हो जाता है। और इसके कारण वो अपनी शादी छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी सास उसे नौकरी करने नहीं देगी। कोई लॉजिक है इस बात में, लेकिन आरती को बड़ा लगता है और वो शादी छोड़ के चली जाती है। और उसके बाद आगे क्या क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, लेकिन कुछ जगह ये स्क्रीन प्ले काफी इलॉजिकल बन जाता है। क्योंकि जैसी ये मूवी बनी है उससे काफी अच्छी मूवी बन सकती थी, क्योंकि इस मूवी में काफी सारे सोशल इश्यूज को उठाया गया है लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जैसे कि दहेज प्रथा। लेकिन इन सब का ये मतलब नहीं है कि ये मूवी अच्छी नहीं है, ये काफी अच्छी मूवी है। और जो इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसके कैरेक्टर्स, मतलब सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि आप इन सभी कैरेक्टर्स के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। स्पेशली सत्तू के कैरेक्टर के साथ तो आपको प्यार ही हो जाएगा, इतने ज्यादा अच्छे से उसके कैरेक्टर को लिखा गया है। और इस मूवी के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग तो हैं कि आप इस मूवी के साथ कनेक्टेड रहोगे और बोर नहीं होंगे। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब ये डिपार्टमेंट इस मूवी की हाईलाइट है, क्योंकि इस मूवी में सभी एक्टर्स ने आग लगा दी है। चाहे आप मेन कास्ट की बात करो या फिर सपोर्टिंग कास्ट की, सभी ने अपने रोल को बहुत ज्यादा अच्छे से प्ले करा है। और यहाँ इसके म्यूजिक की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस मूवी के सभी गाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब चाहे आप इस मूवी के रोमांटिक ट्रैक की बात करो या फिर इस मूवी के सबसे बड़े हिट सॉन्ग ठुकरा के मेरा प्यार की बात करो, सभी गाने इस मूवी के बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस मूवी का काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो इस मूवी की काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देखना चाहिए। लेकिन हाँ, इस मूवी को लेकर लड़के और लड़कियों के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि इस मूवी को बनाया ही कुछ इस तरह से गया है। लेकिन मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है और मैं चाहूंगा कि आप ये मूवी जरूर देखें और अपने पूरे परिवार के साथ देखें। और अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।